गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर टू ऑफ ईवीएस क्लास थर्ड। चैप्टर नेम इज सेम टू सेम, मीन्स एक जैसे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। टॉपिक इज व्हाट आर आइडेंटिकल ट्विन्स। क्या है आइडेंटिकल ट्विन्स? आइडेंटिकल ट्विन्स मीन्स एक जैसे जुड़वा। आशु बुआ हैज गिवन बर्थ टू टू बेबीज, दे आर ट्विन्स। आशु की बुआ ने दो बच्चों को जन्म दिया जो जुड़वा हैं। मदर सेज दैट दे आर आइडेंटिकल ट्विन्स। मम्मी कहती हैं कि वे आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स लुक एग्जैक्टली द सेम। आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं वो देखने में पूरी तरह से एक जैसे होते हैं। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर आशु बुआ टू टेक केयर ऑफ देम ऑल अलोन। आशु की बुआ को उन्हें अकेले संभालने में बहुत मुश्किलें आती हैं। सो ग्रांड मदर स्टे विद देम, इसलिए दादी जी हमारे साथ रहने आई हैं। शी विल हैव टू स्टे विद देम टिल द बेबीज आर अ फ्यू मंथ ओल्डर। वे हमारे साथ रहेंगी जब तक बच्चा थोड़े कुछ महीनों का ना हो जाए। शी डज नॉट अलाउ मी टू होल्ड द बेबीज इन माई हैंड। वो मेरे हाथ में बच्चा देना अलाउ नहीं करते हैं। शी सेज दैट आई एम टू स्मॉल टू होल्ड लिटिल बेबीज। वे कहती हैं कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ छोटे बच्चों को लेने के लिए या पकड़ने के लिए। मेम्बर ऑफ अ फैमिली ऑफन लुक अलाइक। परिवार के जो सदस्य होते हैं अक्सर एक जैसे होते हैं। दे मे हैव सम फिजिकल फीचर्स, उनमें कुछ फिजिकल फीचर्स लाइक आइज नोज फेस ईयर्स हेयर विच लुक एग्जैक्टली द सेम। वो पूरी तरह से एक जैसे होते हैं। सम मेम्बर्स मे हैव सर्टन सिमिलर क्वालिटीज़, कुछ मेम्बर्स में सिमिलर एक जैसी क्वालिटीज़ भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ए डॉटर मे बी एबल टू सिंग एज स्वीटली एज हर मदर। एक बेटी जो अपनी माँ की तरह मीठा गाती है। दीज आर कॉल्ड हेरिडेटरी फीचर्स। ये क्या कहलाते हैं? हेरिडेटरी, वंशानुगत फीचर्स। दे आर पास्ड ऑन टू अस फ्रॉम आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? माता पिता और दादा दादी से। नेक्स्ट टॉपिक इज माई ग्रैंड मदर। आई लव माई ग्रैंड मदर, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं मेरी दादी से बहुत प्यार करता हूँ। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। शी टेल्स मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, वो मुझे सुनाती हैं बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ। आई टॉक टू हर अबाउट माई टीचर्स माई फ्रेंड्स एंड ऑल दैट आई डू इन स्कूल। मैं उन्हें बताता हूँ अपने टीचर्स के बारे में, दोस्तों के बारे में और जो मैं स्कूल में करता हूँ। शी लिसन टू मी पेशेंसली, वो मुझे सुनती हैं आराम से या धैर्यपूर्वक। These days her eyesight has become very weak. इन दिनों उनकी आंखें बहुत ही कमज़ोर हो गई। She has difficult in seeing things. वो उन्हें चीज़ें देखने में बहुत मुश्किल हो रही है। Clearly without her spectacles, बिना चश्मे के। She also has difficult in hearing. उन्हें सुनने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। Grandmother has told me that our sense of sight and hearing become weak as we grow old. दादी जी बताती है कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं तब वैसे ही हमारे सुनने और देखने की क्षमता जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। शी हैज़ लॉस्ट मोस्ट ऑफ हर टीथ एंड द डेंटिस्ट आस्क हर टू गेट एन आर्टिफिशियल सेट ऑफ टीथ। उन्होंने अपने दांत भी अधिकतर खो दिए हैं और डेंटिस्ट की सलाह से उन्हें आर्टिफिशियल टीथ लगवाने चाहिए। आई हेल्प माई ग्रांड मदर फाइंड हर मेडिसिन एंड अदर थिंग्स दैट शी कैन नॉट लोकेट। मैं मेरी दादी जी की मदद करती हूँ दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें ढूंढने में जो वो नहीं ढूंढ पाती। माई फादर हैज़ ब्रॉट अ हियरिंग एड फॉर हर। मेरे पिताजी ने उनको कानों की मशीन ला कर दिए। शी कैन लिसन क्लियरली व्हेन शी पुट ऑन द हियरिंग एड। जब वो उन्हें लगाती हैं हियरिंग एड को तो वे उनसे साफ सुनाई देता है। बट शी डज नॉट लाइक लाउड म्यूजिक, लेकिन उन्हें तेज़ म्यूजिक पसंद नहीं है। वी ट्राई नॉट टू मेक नॉइज़, हम कोशिश करते हैं कि हम शोर ना करें। व्हेन ग्रैंड मदर इज़ वेयरिंग हर हियरिंग एड, जब वो कानों की मशीन पहने हुए हों। बनीज ग्रैंड फादर वॉक विद द हेल्प ऑफ स्टिक। बनीत के जो दादाजी है वो अपने स्टिक के द्वारा घूमते हैं। ही हैज़ पेन इन हिज नी, उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। ही लव्स टू वॉक इन द पार्क, उन्हें पसंद है पार्क में घूमना। बनीत अकंपनी हिम ड्यूरिंग हिज वॉक, बनीत भी उन्हें कंपनी देता है घूमने में। ऑन द वे हिज दादाजी टेल हिम मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स विच इज शेयर विद दैम। ऑन द वे जब जाते समय दादाजी उन्हें उसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताते हैं और उसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। डिफरेंट एबल चिल्ड्रन, डिफरेंट एबल चिल्ड्रन मीन्स जो कि विकलांग होते हैं। एबल मीन विकलांग, जिनकी कोई अंग ना हो। ऑल द चिल्ड्रंस आर नॉट द सेम, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। देयर आर मैनी चिल्ड्रंस हु हैव प्रॉब्लम इन सेइंग हियरिंग स्पीकिंग वॉकिंग एक्सेट्रा। कुछ बच्चों को सुनने में देखने में बोलने में घूमने में प्रॉब्लम होती है। दे आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन, इन्हें हम क्या कहते हैं? विकलांग बच्चे। रोहन वॉज बोर्न ब्लाइंड बट ही इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़। रोहन जो है वो अंधा है लेकिन वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा।
हिज बुक्स आर रिटन इन ब्रेल, उसकी बुक्स जो लिखी हुई हैं वो ब्रेल में लिखी है। ब्रेल इज़ अ स्पेशल स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड पीपुल, जो ब्रेल है वो स्पेशल स्क्रिप्ट है, लिपि है जो कि अंधे लोगों के लिए। द लेटर्स ऑफ द बुक आर रेज्ड एंड वन कैन रीड बाय टचिंग द लेटर्स, जो बुक्स के लेटर्स या डॉट्स होते हैं वो रेज जैसे होते हैं, उठे हुए शब्दों की तरह, जो उन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। इवन हिज कंप्यूटर हैज़ ब्रेल कीबोर्ड, जो उसका कंप्यूटर है उसका भी कीबोर्ड ब्रेल है। ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर इजिली यूजिंग स्पेशल ऐप, वो आराम से अपने कंप्यूटर को यूज़ में या ऑपरेट कर सकता है। रोहन हैज़ लर्न टू बी इंडिपेंडेंट, रोहन जो है वो अपने आप पढ़ता है। ही मैनेज एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ एंड कैन गो टू डिफरेंट प्लेस ऑल अलोन, और वो अपने सारे जो काम होता है वो अपने आप मैनेज करता है और अपने आप ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। दीपक एंड सोनिया हैव प्रॉब्लम इन हियरिंग एंड इन स्पीकिंग टू, दीपक और सोनिया को बोलने और सुनने में प्रॉब्लम है। सच चिल्ड्रन आर डीफ एंड डम, इन्हें बहरे और गूंगे कहते हैं। दे हैव देयर ओन साइन लैंग्वेज, ये साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। बोथ ऑफ देम यूज हैंड मूवमेंट टू कम्युनिकेट, वो अपने हाथों के मूवमेंट से कम्युनिकेट मीन्स बात करते हैं। दे आर वेरी गुड एट लिप रीडिंग, और वो बहुत ही अच्छे होते हैं लिप रीडिंग पढ़ने में। दे कैन मेक ओवर वॉट वी से बाय केयरफुली लुकिंग एट द मूवमेंट ऑफ अवर लिप्स, वे उनके होठों के मूवमेंट को देखकर ही समझ जाते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं। अली सफर्ड फ्रॉम पोलियो व्हेन ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, जब अली छोटा बच्चा था तब उसे पोलियो हो गया था। वन ऑफ हिज लेग्स इज वेरी वीक, उसका एक पैर बहुत कमजोर है। ही वॉक विद द सपोर्ट ऑफ क्रचेस, वो बैसाखी के सपोर्ट या सहारे से चलता है। ही कुड हैव बीन नॉर्मल इफ हिज पेरेंट्स हैड गिवन हिम पोलियो ड्रॉप्स, उसे पोलियो नहीं होता अगर उसके माता पिता उसे पोलियो के ड्रॉप पिलाते। दीज ड्रॉप्स आर अवेलेबल फॉर फ्री एट ऑल हेल्थ सेंटर, ये जो पोलियो ड्रॉप है वो प्रत्येक हेल्थ सेंटर में फ्री में मिलता है। लारा मीट विद एन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज स्मॉल, लारा का एक्सीडेंट हो जाता है जब वो बहुत छोटी थी। शी हैज़ लॉस्ट बोथ हर लेग्स, उसने अपने दोनों पैर खो दी थी। नाउ शी मूव अराउंड सिटिंग ऑन हर व्हील चेयर, वो घूमती है अपनी व्हील चेयर के द्वारा। शी रीचेज हर क्लासरूम थ्रू द रैम्प मेड स्पेशल फॉर द डिफरेंट एबल चिल्ड्रन, वो अपने क्लासरूम में पहुंचती है एक स्पेशल तरीके के रैंप से जो कि विकलांग बच्चों के लिए बनाया हुआ होता है। द स्कूल्स दीज डेज हैव बैरियर फ्री टॉयलेट फॉर सच चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों के लिए बैरियर फ्री टॉयलेट्स बनाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स योर चैप्टर इज फिनिश्ड, हैव अ नाइस डे।